उदयपुर वाटी पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर मकानों के टूटे ताले, लाखों रुपए का सामान पार। उदयपुर वाटी कस्बे में पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर जयपुर स्टेट हाईवे पर वार्ड नंबर 18 में शकील पुत्र अब्दुल रजा के घर में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। आभूषण सहित 1 लाख रुपये नकद पर हाथ साफ कर फरार हो गए। गौरतलब है कि पीड़ित शकील अपनी साली की शादी में सपरिवार सहित गया हुआ था। पीड़ित गुरुवार को शादी में गया हुआ था, लेकिन रविवार को घर वापस लौटा तो दोपहर 2 बजे घर पहुंचा तो घर के बाहर का ताला दूसरा देखकर हैरान रह गया। जैसे तैसे कर मेन गेट के ताले को तोड़कर अंदर गया। अंदर जाने के बाद सारे मकानों के ताले टूटे दिखे, वहीं अलमारी व बक्से बेडरूम के ताले भी टूटे मिले, जिसके बाद सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित ने बताया कि 1 लाख रुपये नकद वहीं 4 से 5 तोला सोने के आभूषण पड़े थे, जिन पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। गौरतलब है कि 15 दिन पहले 2 चोरियां हो चुकी है, यह तीसरी चोरी की वारदात सामने आई है। वहीं उदयपुर वाटी कस्बे से 10 किलोमीटर दूरी पर मंडावरा गांव में 10 लाख रुपए की चोरी हुई थी। वहीं रामपुरा गांव में भी 10 लाख रुपए की गत 5 दिन पहले चोरी हुई थी। पुलिस थाने से महज आज तीसरी चोरी की वारदात सामने आई है, जिसके बाद रात को पुलिस गश्त लगाती है, लेकिन पुलिस थाने से गश्त के बावजूद भी अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। उदयपुर वाटी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है, पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। गश्त के बावजूद भी चोरी की वारदात क्यों बढ़ रही है? वारदात का जिम्मेदार आखिर कौन? चोरियों की वारदात पर सवाल निशान खड़े कर रही है, जिसके बाद अब पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। अब लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मेरी चैन, मेरी अंगूठी, मेरी झूमर मेरे पास है, इसके अलावा मेरे पाजे और ये चूड़ियां और हाँ, तो जो है ना वो पैसे नकदी का पैसे इस चीज़ के लिए रखते हैं। सर मेरे मेडिकल स्टोर में है, मेडिकल स्टोर में रखते हैं, तो उसमें क्या है कि उसे पार्टी में पैसे है। मैं शाम को शादी में गया था, तो मेरे साला और मेरी साली की शादी थी गुरुवार को, शुक्रवार को शादी थी है ना, तो हम गुरुवार को निकल गए थे और शुक्रवार को शादी थी लड़के की और शनिवार को शादी थी लड़की की शादी, और आज इतवार को हम आज जब आए घर पे तो हमने देखा तो ताला जो है वो दूसरा लगा हुआ था ताला बाहर का, और उसमें मैंने चाबी लगाई, जब चाबी लगाई तो वो लगी नहीं लगी, तो मैंने सोचा कि भाई चलो बरसात से हो सकता है क्या पता जड़ लग गया हो, तो उसमें ऑयल वगैरह मैंने डाला, तो ऑयल डालने के बाद में भी उसमें कोई नहीं हुआ। जब मैंने पड़ोस में जो एक मिस्त्री साइकिल वैन का काम करता है उसको बुला करके मैंने उसमें यार उसमें ऑयल डाल के तू चेक कर, तो उसने कहा, तो उसने बोला भाई साहब ऐसे चाबी इसकी नहीं है ना, ये चाबी तो दूसरे ताले की लग रही है। बोला इससे खोल के ले, मैं इसके लगा के गया हूँ, खोल के गया हूँ, तो बोला चलो मेरे को कोई बात नहीं, हो सकता जर से लगी होने ये तोड़ दें, मतलब इसको तो उसको तोड़ा, फिर अंदर आके जब देखा तो वो ताला जो है वो टूटा हुआ था, और ताला जो है वो अटकाया हुआ था, तोड़ करके उसको अटकाया हुआ था। जैसे मैंने उसको मतलब थोड़ा यहाँ खींचा, खींचते के साथ वो हाथ में आ गया है, तो फिर जब मैंने कमरा खोल के देखा तो उसके अंदर सारा सामान जो है वो बिखरा हुआ था, और केस अलमारी जो है जिसके अंदर मेन लॉकर होता है, और उस लॉकर के अंदर जो जेवर वगैरह थे वो सब गायब थे। जेवर वगैरह जो थे उसमें जैसे हार था, चूड़ियाँ थी, पाजेब थी, और हार सेट वगैरह करीब ये 4-5 तोले का मतलब सामान था, मतलब उसमें। और नकदी कितने थे? नकदी जो है करीब 1 लाख रुपए के करीब नकदी थे, मतलब। आपको आना पड़ेगा, तो ये फॉर्मेलिटी हो गई भाई, आपके चोरी हो रही है ना, आप इस तरह से कह रहे हो कि वो था, चलो वो आपके अपने भैया को कह देना जैसा भी है इसका, हाँ तो उनको है तो माना जाएगा आपका कुछ नहीं था, कपड़े थे सोफा था, कुछ भी नहीं है इसका।